आर्या का कहर। साहिल बना नौकर। वेदिका के आंसू। साहिल पर सितम। ओ हेलो, ये खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो खाना सर्व करो। हाँ बेटा आर्या, मैं करता हूँ। क्या अब घर के नौकरों को भी मुझे तमीज सिखानी पड़ेगी? मैं तुम्हारी बेटी बेटी नहीं हूँ, तुम्हारी मालकिन हूँ, मालकिन, समझे? जी मैम साहब, समझ गया। चलो अब खाना सर्व करो। और हाँ, तुम ना वहाँ जमीन पर बैठकर खाना खाओगे, समझे? नौकरों की जगह जमीन पर ही होती है। जी मालकिन। देखा आपने, रिश्तों की कड़वाहट आज बाप बेटे के रिश्ते में इस कदर घुल गई है कि आर्या ने अपने ही पापा साहिल को बना दिया है घर का नौकर। क्योंकि अब मैं साहिल से नफरत करती हूँ और मैंने उसे कह दिया है कि अब तुम ही इस घर के नौकर हो। मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। साहिल पर यह सितम देखकर आज तो वेदिका का दिल भी रो रहा है, लेकिन साहिल इस चुनौती से भिड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रोटी और कांदा दे रही हूँ क्योंकि अब तो मैं साहिल से इतनी नफरत करने लगती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे गुड्डू को इसी ने मारा है और मेरी नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि अब मैं दोनों का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। मैं उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। फर्श पर खाना भी खाएंगे, घर का सारा काम भी करेंगे, लेकिन उफ तक नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि आखिर कब तक गलतफहमी के अंधेरे में आर्या खुद को रखती हैं और सच्चाई पता होने के बाद कैसे करेंगी पापा साहिल और मम्मी वेदिका का सामना। मुंबई से प्रियांशु झा के साथ आज तक ब्यूरो।